welcome to my channel Biomed Easy with Rachna Shukla. Last time we studied Mendel's first law based on mono hybrid cross humne padha tha one pair of contrasting characters ko dhyan mein rakhte hue aur us pe based humne dominance ka concept dekha tha aur segregation ka concept dekha tha. To humne dekha tha ki tall aur short at two generation mein ye dono करेक्टर्स ये दोनों जीन्स दोनों फैक्टर्स जो मेंडल ने कहे थे वो सेग्रीगेट हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं इनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. उसके लिए हम पहले पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई मीन्स टू, हाइब्रिड मीन्स क्रॉस कॉम्बिनेशन. जब हम दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कॉम्बिनेशन बनाते हैं दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. उससे पहले हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंसेप्ट को. बहुत सिंपल सी चीज है कि जब हमने टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराया था तो ये जीनोटाइप, ये थे पेरेंट्स, ये थे उसका जीनोटाइप. और जब हमने क्रॉस कराया था गैमीट्स पहले बना लेते हैं, एक ही गैमीट की पॉसिबिलिटी थी कैपिटल डी यहाँ स्मॉल डी, और इन दोनों को क्रॉस करा के हमको F1 में ये कॉम्बिनेशन मिल गया था. दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत इजीली सबको याद है ये बात. अब हम क्या करते हैं, एक और करेक्टर अगर ले लें, यहाँ पर हमने एक करेक्टर ले लिया राउंड सीड्स, और जब हम राउंड सीड को रिंकल्ड के साथ क्रॉस कराएंगे, रिंकल्ड सीड के साथ क्रॉस कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ क्या गैमीट होगा कैपिटल आर एंड ओनली गैमीट इज स्मॉल आर. फिर हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा. मींस सेकंड जनरेशन में ऑल प्लांट्स विल बी टॉल हैविंग राउंड सीड्स. दोनों का डोमिनेंट कैरेक्टर एफ1 में हमको दिखेगा. यहाँ तक की बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता है. और ये हो गया डाईहाइब्रिड क्रॉस. क्या है डाईहाइब्रिड क्रॉस में, हमने टू ब्रीडिंग राउंड और येलो दो कैरेक्टर लिए. सीड का राउंड कैरेक्टर बिल्कुल राउंड से सीड है, और सीड किस कलर के हैं, येलो, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है दोनों. और F1 में हमको सारे सीड्स मिलेंगे राउंड और येलो वाले. जब हम इस राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर वाले सीड के साथ क्रॉस कराएंगे दो प्लांट्स का, तो हमें F1 में मिलेंगे सारे प्लांट्स will be having seeds कैसे, round and yellow. Okay, तो इतनी बात तो बिल्कुल सिंपल है. जैसे मोनोहाइब्रिड था, दो मोनोहाइब्रिड को कंबाइन कर देंगे तो भी वही वही हमको कॉम्बिनेशन, वही कैरेक्टर, वही सब कुछ मिल जाएगा. तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी बात है. अब कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है जब हमें इसकी सेल्फिंग करानी है, तो हमें गैमीट फॉर्म करनी है. तो जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो गैमीट फॉर्म करने का एक मेन स्टेप है, तो पहले हम गैमीट फॉर्म कराते हैं. ये जो अभी हमने किया है इसके लिए हम गैमीट, हमें क्या मिला है, दिस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इसी की सेल्फिंग यानी ये बने ये, ठीक, इसी की सेल्फिंग करा देंगे तो हमें क्या क्या मिलेंगे गैमीट्स में पॉसिबिलिटीज. उसके लिए हमारे पास एक इजीली याद कर सको आप, इसके लिए हमारे पास है फॉइल मेथड, FOIL फॉइल मेथड. क्या हमको मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या मिला है दूसरा कॉम्बिनेशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब हम क्या करते हैं F4 फर्स्ट, सबसे पहले दोनों का फर्स्ट ले लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई. फिर क्या करते हैं हम आउटसाइड ले लेते हैं, दिस इज आउटसाइड. तो क्या हो जाएगा आउटसाइड, इसका आउटसाइड ये और इसका आउटसाइड ये, ठीक है, तो दोनों का हम आउटसाइड ले लेते हैं. मींस दूसरा गैमीट क्या पॉसिबल होगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई. थर्ड क्या पॉसिबिलिटी होगी, इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाएंगे, इसका भी इनसाइड ये और इसका इनसाइड ये, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई इनसाइड में हो जाएंगे दोनों. थर्ड थी लास्ट थी क्या है, L4 लास्ट, लास्ट हमको क्या मिलेगा, इसका लास्ट और इसका लास्ट, स्मॉल आर स्मॉल वाई.
these four possibilities of gametes will be there. चाहे male gametes हो या female gametes, जितने भी pollen grains बनेंगे, thousands of pollen grains में सिर्फ यही चार तरह की possibilities होंगी. तो हम जब cross कराएंगे तो अपने यही चार gametes, capital R, capital Y, this capital R is capital Y, capital R is small y, this is small r capital Y, and this is small r small y. ये चार gametes, वही चार gametes को हम इस तरह से लिख के Punnett square बनाएंगे, और इस Punnett square में इस तरीके से हम क्रॉस करा देंगे. आपको अच्छे से क्रॉस बनाना आता है, जैसे आपने ये कैरेक्टर लिया है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपने दो तरह के गैमेट्स बनाया, आपको क्रॉस बनाना अच्छे से आता है. तो ऑन दैट बेसिस हम ये क्रॉस बना लेते हैं अच्छे से. क्रॉस इजीली बन जाएगा, कोई भी एक रैंडमली उठा ले अगर हम, तो इसको और इसको अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी दोनों स्मॉल वाई. तो कोई भी रैंडमली हम एक उठा लें, ये वाला हमने लिया और ये वाला लिया, तो दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई. ठीक, तो हमको इस तरीके से ये मिल गया है अपना 16 तरह के कॉम्बिनेशन, 16 तरीके के कॉम्बिनेशन वाले सीड्स मिलेंगे जिन्हें शो करेंगे, तो हमें ऐसे प्लांट्स मिलेंगे. एक बार हम काउंट करते हैं हमको क्या क्या मिला है यहाँ पर, यहाँ हमको क्या मिला है काउंट करते हैं. राउंड सीड्स कितने मिले हैं, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिले हैं राउंड येलो सीड्स. तो ये राउंड येलो सीड्स कितने हो गए, 9. रिंकल्ड और ग्रीन देखते हैं कितने मिले हैं हमको, 1 2 सॉरी राउंड और ग्रीन मिले हैं 3. ये राउंड ग्रीन 3 है, और फिर से रिंकल्ड और येलो है 1 2 3, ये हमको मिले हैं 1 2 एंड 3, और रिंकल्ड ग्रीन हमको मिला है 1. दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर का जब कॉम्बिनेशन लिया, क्या फीनोटाइप है, जब दोनों राउंड येलो डोमिनेंट कॉम्बिनेशन है तो हमें 3 3 9 मिलेगा. आप ऐसे देख लो कि ये राउंड और रिंकल के बीच में 3:1 का रेशियो होता है, राउंड और रिंकल के बीच में 3:1 का रेशियो होता है, जबकि येलो और ग्रीन के बीच में 3:1, येलो और ग्रीन के बीच में 3:1. आप इसको कंबाइन कर दो, क्रॉस कर दो, 3 3 9, 3 1 3 3 1 3 3 1 1. ठीक, तो आपको पता चल गया टू जनरेशन में क्या फिनोटाइप मिलेगा, 9:3:3:1, दोनों डोमिनेंट तो 9, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव 3, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव 3, दोनों रिसेसिव 1. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको क्या मिला है, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो 3:1 का रेशियो मिलता था राउंड और रिंकल के बीच में, और येलो और ग्रीन के बीच में मिलता था 3:1. आप दोनों को क्रॉस करा दो तो 3 3 9, 3 1 3. उसके बाद इस 1 से क्रॉस कराते हैं, 1 1 1 3 3 1 1 1, तो क्रॉस क्या मिला, डायरेक्ट क्रॉस में F2 का रेशियो 9:3:3:1 का मिला. बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर है. जीनोटिपिक रेशियो इन केस पूछा जाए तो पहले बात तो आप इस क्रॉस में सिर्फ काउंट कर सकते हो, और काउंट किए हुए अपने आंसर को आप क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सकते हो. जो आपको रेशियो मिला था 2:1 रेशियो, आपको क्या मिला था 1:2:1, तो दो जगह 1:2:1 को हम 1:2:1 को हम क्रॉस कर दें 1:2:1 के साथ. याद है दोनों मोनोहाइब्रिड में राउंड को लेने और येलो को लेने, अलग अलग हमें 1:2:1 को मिला है, दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा 1:2:1, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया. अब हम जब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 2 1 2 2 2 4 2 1 2
और फिर इस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम, तो वन वन सा वन, वन टू सा टू, वन वन सा वन, हमको ये रेशियो मिलेगा सारा। ये कितना हो गया है, टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर। ये टोटल 16 कॉम्बिनेशंस में से हमको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्लियरली मिल गया है। नाउ दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ क्या कहते हैं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहने का मतलब है, इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब है दो की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑन अदर, तो दो की बात हो रही है तो इंडिपेंडेंट, डोंट गेट कंफ्यूज। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रॉस बनाकर दिखाओ, जहां कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट है वहां पर आप सीधा डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखाओगे। स्टेटमेंट क्या है मेंडल का, कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, ट्रेड्स कैरेक्टर होते हैं, जब दो पेयर ऑफ ट्रेड को कंबाइन करते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। वन पेयर ऑफ कैरेक्टर यानी कि राउंड और रिंकल्ड की एक्सप्रेशन की जो इनहेरिटेंस है वो इंडिपेंडेंट है येलो और ग्रीन से। कहने का मतलब है कि ये जो राउंड वाला कैरेक्टर है, राउंड हो या रिंकल्ड हो जो भी हो, वो इसके साथ अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। ये दोनों कैरेक्टर आपस में चिपके हुए नहीं है, अलग अलग हैं, इसीलिए जब भी एक्सप्रेस होंगे ये राउंड येलो के साथ जा सकता है, राउंड रिंकल्ड के साथ जा सकता है, सॉरी राउंड येलो के साथ जा सकता है, राउंड ग्रीन के साथ जा सकता है, रिंकल्ड भी येलो के साथ जा सकता है, रिंकल्ड भी ग्रीन के साथ जा सकता है। यहाँ पर इस चीज को आप और अच्छे से समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल, जैसे हमारे बॉडी में हमारे दो कैरेक्टर्स हो गए, स्किन कलर और हाइट का कैरेक्टर, तो हमारी हमें क्या कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हो एक लंबा इंसान गोरा भी है और वो एक गोरा इंसान छोटा भी हो सकता है, ठीक है। आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है, लंबा गोरा छोटा गोरा, गोरा लंबा भी हो सकता है, गोरा छोटा भी हो सकता है, तो कोई भी फोर पॉसिबिलिटी आप मिल सकती है, यानी दोनों कैरेक्टर स्किन का और हाइट का आपस में चिपके नहीं हुए हैं। तो मेंडल क्या कह रहे हैं कि मेंडल ने फैक्टर कहा उसको हम जानते हैं कि जीन्स है, ठीक। जब हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो कोई जीन ये इस तरीके से है, गैमेट बनेगा तो कोई एक कॉम्बिनेशन आएगा किसी में भी, या तो कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर आएगा। और दूसरा हमने कॉम्बिनेशन लिया, दूसरा लिया कंडीशन, ये दूसरा जीन है, ये सपोज येलो कैरेक्टर के लिए है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये दो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स या तो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है या अलग अलग दूरी पे है, एक ही क्रोमोसोम के अंदर अगर है तो काफी दूरी पे है जिससे कि वो कैरेक्टर का इजीली एक्सप्रेशन हो जाए, ये आपस में चिपके हुए नहीं होंगे, इन दोनों कैरेक्टर्स की एक्सप्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड F2 रेशियो विल बी 9:3:3:1। Thank you.